तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन से इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो अपने फ़ोटो या किसी और के फोटो के साथ बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेटस वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। ये आप लोग को प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड करके सिंपली इसको ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए ओपन। सो ओपन हो जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस है, उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, देन 9x16 का रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिंपली आप लोग को एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड या व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को ऐड करना है, तो जो भी आप लोग को पसंद हो ऐड कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से यहाँ व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को ऐड कर ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ से कट कर देंगे। कट कर देने के बाद आप लोग को जितने देर का स्टेटस वीडियो बनाना हो सिंपली इस बैकग्राउंड के ड्यूरेशन को उतना बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए हम उतना बढ़ा लेते हैं। इतना बढ़ाने के बाद सिंपली हम लोग को इसको शुरू में आएंगे। शुरू में आने के बाद थोड़ा सा दोनों उंगली से ऐसे खींच कर इसको छोटा कर देंगे ताकि आसानी हो एडिटिंग करने में। उसके बाद लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, आप लोग को जिस भी फोटो पे स्टेटस वीडियो बनाना है सिंपली उस फोटो को आप लोग यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम उसको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। सो फाइनली हमारा फोटो ऐड हो चुका है। स्प्लिट स्क्रीन में जाकर यहाँ से फुल स्क्रीन करके यहाँ से बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से एडजस्टमेंट में जाएंगे, इसको यहाँ से सैचुरेशन इसका पूरा लो करके यहाँ से बैक चले जाएंगे। इतना कर देने के बाद सिंपली इस फोटो का ड्यूरेशन को भी बैकग्राउंड का ड्यूरेशन है जितना उतना बढ़ा लेंगे। इतना कर देने के बाद सिंपली शुरू में आएंगे। शुरू में आने के बाद लेयर पर जाएंगे। लेयर पर जाने के बाद यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद बेसिक इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से ब्लर को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको फुल स्क्रीन में अप्लाई कर देंगे। आप लोग अपने हिसाब से इसको अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए हम इसको कर देते हैं। इतना कर देने के बाद सिंपली यहाँ से बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से जितने को रखना चाहिए रखना चाहते हैं उतना कर लीजिएगा। हमें यहाँ से इसको ट्विप पर ही आने देते हैं। उसके बाद बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इसके ड्यूरेशन को पूरे लास्ट तक कर देंगे। इतना कर देने के बाद शुरू में आएंगे। शुरू में आने के बाद सिंपली आप लोग को एक ब्लू एंड ग्रीन स्क्रीन के टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर उसको वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर लीजिएगा। लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और सिंपली हम उस ब्लू एंड ग्रीन टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, मिक्सर में जाएंगे। मिक्सर में जाकर यहाँ से म्यूट करके यहाँ से बैक चले जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्प्लिट स्क्रीन में जाकर यहाँ से इसको फुल स्क्रीन करके बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद देखिए इसका ड्यूरेशन छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट निकाल लेंगे। डुप्लीकेट निकाल लेने के बाद सिंपली इसको टच करके रखेंगे थोड़ा सा, और इसको ऐसे इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ से पूरे लास्ट तक आप लोग अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। चलिए हम इसको कर लेते हैं। इतना कर लेने के बाद सिंपली यहाँ से लास्ट में आएंगे। लास्ट में आने के बाद ये जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है इसको यहाँ से कैंची पे क्लिक करके इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कट कर देंगे। इतना कर देने के बाद शुरू में आएंगे। शुरू में आने के बाद सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ब्लू एंड ग्रीन टेम्पलेट वीडियो पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से क्रोमा की में जाएंगे और इसको यहाँ से इनेबल करके यहाँ से 50 पर रख देंगे। उसके बाद दो नंबर जिसका डुप्लीकेट निकाला था उस पर भी ऐसे ही सेम प्रोसेस करेंगे। उस पर क्लिक करके यहाँ से जाएंगे क्रोमा की में। क्रोमा की में जाने के बाद सिंपली इसको इनेबल करके और इसको भी यहाँ से 50% करके यहाँ से बैक चले जाएंगे। इतना कर देने के बाद सिंपली हम इस नए वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट कर लेंगे, यहाँ से शेयर पे क्लिक करेंगे और शेयर पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से रेजोल्यूशन सेट करके फ्रेम रेट अपने हिसाब से रख के इसको सेव एज वीडियो कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो फाइनली वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ से कट कर देंगे। कट कर देने के बाद सिंपली हम इस जो ब्लू एंड ग्रीन टेम्पलेट वीडियो है इसको यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये जो हम
ब्लर लगाए थे इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे, नीचे करेंगे और फोटो पे क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और इसको सैचुरेशन को यहाँ से फुल 100% कर देंगे और इसके ब्राइटनेस को थोड़ा सा यहाँ से कम कर देंगे और इसको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, यहाँ से 35 कर देंगे, आप लोग अपने हिसाब से कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से बैक चले जाएंगे, बैक जाने के बाद शुरू में आएंगे, शुरू में आने के बाद लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और अभी जो हम लोग काइन मास्टर से टेम्पलेट वीडियो को एडिट किए थे सिंपली उसको ऐड कर लेंगे। तो सिंपली हमारा वो वीडियो ऐड हो चुका है, बस थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, मिक्सर में जाएंगे, यहाँ से म्यूट करके यहाँ से बैक चल जाएंगे, बैक जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्प्लिट स्क्रीन में जाकर यहाँ से फुल स्क्रीन करके यहाँ से बैक चले जाएंगे, बैक जाने के बाद पहले जो हम लोग फोटो था उस फोटो पर क्लिक करके यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन में जाकर इसको ऑफ कर देंगे यहाँ से और इसको अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं इसको अपने हिसाब से कर लेता हूँ। इतना कर देने के बाद सिंपली यहाँ से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ से और जो अभी जो हम वीडियो ऐड किए थे सिंपली उस वीडियो पे ऐड करके थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे क्रोमा की, क्रोमा क्रीम में जाने के बाद इसको यहाँ से इनेबल करके की कलर में जाकर यहाँ से ग्रीन कलर को आप लोग अपने हिसाब से ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद देखिए सिंपली हमारा वीडियो बन के कुछ इस प्रकार से रेडी हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ से बैक चले जाएंगे, बैक जाने के बाद एक पार्टी का टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से उसको ऐड कर लीजिएगा। तो लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और मीडिया पे जाने के बाद सिंपली हम उसको ऐड कर लेते हैं। फाइनली हमारा वीडियो ऐड हो चुका है, उसके बाद थोड़ा सा इसको आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, मिक्सर में जाएंगे, मिक्सर में जाकर यहाँ से इसको म्यूट कर देंगे और यहाँ से बैक चले जाएंगे, बैक जाने के बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो हम लोग को एक मिलेगा ब्लीडिंग ऑप्शन, इस पर क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन कर देंगे, स्क्रीन करके यहाँ से बैक चले जाएंगे, बैक जाने के बाद यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके इसका इसको यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे। सेंड टू बैक करके फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंड टू फॉरवर्ड कर देंगे। इतना कर देने के बाद सिंपली हमारा वीडियो देखिए कुछ इसे ऐसे बन जाएगा। उसके बाद सिंपली अभी जो हम लोग पार्टिकल टेम्पलेट वीडियो ऐड किए थे सिंपली इस पे क्लिक करके इस थ्री डॉट पे क्लिक करके इसका डुप्लीकेट निकाल लेंगे। डुप्लीकेट निकाल कर इसको भी इस पे ऐसे क्लिक करके और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और इसको यहाँ से पूरे लास्ट में हम लोग यहाँ तक आप लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद सिंपली इसको भी यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से सेंड टू ब्राइट टू फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना कर देने के बाद सिंपली शुरू में आएंगे, शुरू में आने के बाद सिंपली अब इतना करने के बाद सिंपली हम लोग एक वाइट कलर के बॉर्डर पीएनजी को ऐड करना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर उसको वहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और सिंपली हम उसको ऐड कर लेते हैं। सो फाइनली हमारा वो बॉर्डर पीएनजी आ गया, उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन में जाकर यहाँ से फुल स्क्रीन करके बैक चले जाएंगे, बैक जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ब्लीडिंग में जाकर यहाँ से स्क्रीन कर देंगे और यहाँ से बैक चले जाएंगे और इसको वाइब्रेशन को पूरे फूले लास्ट तक बढ़ा लेंगे। बढ़ा लेने के बाद शुरू में आएंगे, शुरू में आने के बाद सिंपली हम लोग को एक आ जाने, उसके बाद जिस भी सॉन्ग पे आप लोग का स्टेटस वीडियो बना रहे सिंपली उस सॉन्ग को ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम एक लिरिक वीडियो को ऐड कर लेना है, अगर ये लगाना हो तो हम इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको जाकर वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर लीजिएगा। तो लेयर पे जाएंगे, वीडियो पे जाएंगे और सिंपली हम उस लिरिक वीडियो को ऐड कर लेते हैं। सिंपली इतना कर लेने के बाद हम इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा इसको यहाँ।
कर लेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से क्रॉपिंग में जाएंगे, क्रॉपिंग में जाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से कट करके यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे और इसके फेदर को यहाँ से फुल कर देंगे और यहाँ से बैक चले जाएंगे। सिंपली इतना कर देने के बाद यहाँ से बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद सिंपली हम अपने हिसाब से इसको, आप लोग अपने हिसाब से बिल्कुल एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सिंपली इतना कर देने के बाद सिंपली हमारा वीडियो बन के कुछ इस प्रकार से रेडी हो जाएगा। उसके बाद सिंपली चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ। हमारा वीडियो बन के कुछ इस प्रकार से कितना मस्त बन के रेडी हो चुका है। सिंपली इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से शेयर पर क्लिक करेंगे। शेयर पर क्लिक करके आप लोग को इसका रेजोल्यूशन अपने हिसाब से आप लोग को रख लीजिएगा। उसके बाद फ्रेम रेट 30 पर रख के इसको सेव एज वीडियो कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग के लिए ये